सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे। हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से देवी देवता हैं जिनकी लोग पूजा अर्चना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेवों के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा जी को संसार के रचयिता माना गया है, तो वहीं भगवान विष्णु को पालनहार और भोलेनाथ को संहारक माना गया है। इस संसार में भगवान विष्णु और भगवान शिव के बहुत से मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर पूरे संसार में केवल 3 ही हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर जिसने संसार की रचना की उसके सिर्फ 3 ही मंदिर क्यों? अगर आप लोग भी इसके बारे में नहीं जानते हैं या फिर इस बात से अनजान हैं, तो चलिए देर न करते हुए हम इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की भलाई के लिए यज्ञ का विचार किया, और यज्ञ की जगह का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने एक कमल को पृथ्वी लोक भेजा, और जिस स्थान पर वो कमल गिरा उसी जगह को यज्ञ के लिए चुना गया। किंवदंतियों के अनुसार जिस जगह को पर कमल गिरा उस जगह पर ब्रह्मा जी का मंदिर बना दिया गया, और ये स्थान राजस्थान का पुष्कर शहर, जहाँ उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ था। उसके बाद ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुंची। पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन सावित्री का कुछ पता नहीं था। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। कुछ समय बाद सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को बैठे देख वो क्रोधित हो गई। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, पृथ्वीलोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ और देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी, इसके अलावा जो कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनाएगा उसका विनाश निश्चित हो जाएगा। कई मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ थे। उसमें ये सवाल पूछा गया कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान में कौन श्रेष्ठ है। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें एक जगह से कुछ लाने के लिए कहा, जिसके बाद वो वहाँ पर पहुँच गए। हालांकि आपको बता दें कि जिस जगह उन्हें जो सामान लेने के लिए भगवान शिव ने लाने के लिए कहा था, वो एक बड़ा सा खंभा था जिसकी लंबाई भापना ना भगवान ब्रह्मा के बस में था और ना ही भगवान विष्णु। कुछ समय बाद भगवान विष्णु समझ गए कि ये भोलेनाथ की लीला है, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। इसके बाद वो उन चीज़ को समझ नहीं पाए, जिसके बाद भगवान शिव ने कहा कि आपकी पूजा बहुत ही कम जगह होगी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।